गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल हमने कुछ भी नहीं किया, वी वर जस्ट रेस्टिंग और वीडियो एडिट कर ली है। बाकी कल हम डल लेक भी नहीं गए बिकॉज हमने सोचा यार थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे सब, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कितनी भारी आवाज़ आ रही है इस वक्त। गौरव अपना काम कर रहे हैं इस वक्त एंड यहाँ पे देखो हमारी ब्रेकफास्ट के लिए किचन फिर से चालू हो चुकी है। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और मैं छोटा सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये सारा अगेन किचन सेटअप। आज हम कल आपको दिखाया था दाल चावल थे राइट, सुबह तक वो ठीक थे सो हमने उनका आटा गूंद लिया है एंड अभी बन रही है मिस्सी रोटी। सो चलो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। श्रीनगर में हमने एक दिन ऐसे ही रिलैक्स भी किया है, कभी नहीं सोचा था कि हम बैंगलोर से उठ के इस तरीके से कभी इतनी दूर रोड ट्रिप पे आ पाएंगे। एक सच्ची में एक ड्रीम लगता है अभी भी अगर मैं सोच रही हूँ तो। आगे क्या करते हैं वो भी नहीं पता बिकॉज नथिंग इज़ प्लान्ड, सो मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ कि करना क्या है अभी। पानी गर्म हो गया, एक सेकेंड मैं ऑफ कर दूँ। सो चलिए आज के इस सिंपल व्लॉग को, काइंड ऑफ होमली व्लॉग इन श्रीनगर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो श्रीनगर में आज हमारा रिलैक्सेशन डे करके बहुत अच्छा लगा। आज हम सोच रहे हैं कहीं बाहर जाते हैं बट द प्लेसेस आर नॉट फिक्स्ड। अभी भी हमने श्रीनगर पूरा नहीं देखा है, दो हम इतने टाइम से श्रीनगर में हैं बट काफ़ी जो डेस्टिनेशंस हैं ना काफ़ी दूर दूर हैं। सो आप एक डेस्टिनेशन कवर करते हो तो उसमें थक जाते हो। सो हाँ, एक जगह को देखने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम हमने 4 से 5 दिन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिए हैं। आई थिंक 6th डे है हमारा यहाँ पे, स्टिल हमने श्रीनगर पूरा नहीं देखा। मैं गौरव को बोल रही थी दाचीगम नेशनल पार्क ज़रा चेक करो बट गौरव कह रहे हैं वो मोटरेबल ही नहीं है। सो आई डोंट नो, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है हमें। सो वैसे नेशनल पार्क गर्मियों में बंद होते हैं और ये दाचीगम का आइडिया मुझे तब अब वो उस दिन स्नो लेपर्ड देखा था जो कैप्चर हुआ था उससे मुझे आइडिया आया कि हाँ चलो दाचीगम नेशनल पार्क चलते हैं। चलो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, अभी कहीं जाते हैं तो मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर द गुड स्टोरीज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, शो सम लव टू दिस चैनल, इट्स अ न्यू चैनल, न्यू ट्रैवल चैनल। हमें आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हो सकता है आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा और पुश मिले और हम थोड़ा और एडवेंचर ट्रिप्स पर निकले इस तरीके से, बिकॉज गौरव नीड सम पुश। इस बार इनको पुश मैंने दिया है। जरा गपा गप खाए जा रहे हैं चाय और रोटी के साथ, कैसा लग रहा है? गपा गप नहीं खा रहा है, एक एक करके खा रहा हूँ। टेस्ट तो बता दो कैसा लग रहा है। खाओ खाओ, उनको क्या पता, आप बताओ। बढ़िया, कितना अच्छा, बढ़िया है। चलो ठीक है, अब होटल का ही मिलेगा। क्या होटल का मिलेगा? अच्छा नहीं लग रहा ना? बढ़िया है, इसमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। चाय कैसी है? चाय तो पीनी है अभी तक, सुड़क के पीनी चाहिए। अच्छा है, अच्छा थोड़ा है। हाँ, दूध का टेस्ट यहाँ पे थोड़ा अलग है। हम सोच रहे हैं टेट्रा पैक ही यूज़ करें, टेट्रा पैक ज़्यादा हमें इकोनॉमिकल लग रहे हैं। दूध टोंड दूध 22 रुपये का है और टेट्रा पैक हमें 14 रुपीज़ का अमूल का छोटा पैक जो होता है वो मिल रहा है। यहाँ पे फाइनली RT-PCR का रिपोर्ट पिक करने आया है एंड ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के मार्कशीट जब आनी होती है ना, फाइनल रिजल्ट, वैसी फीलिंग हो रही है। गाइस, RT-PCR के लिए पंगा हो गया है, मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है बट गौरव का सैंपल रिजेक्ट हो गया है। सो गौरव अभी दोबारा सैंपल दे रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि रात तक शायद आ जाएगा, वो अर्जेंट बेसिस पर करवा रहे हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे का हमारा ट्रिप कैंसिल है, हम आगे लेह लद्दाख नहीं जा पाएंगे। ओके, मास्क तो यहाँ उतार नहीं सकते बिकॉज यहाँ बाकी भी टेस्टिंग हो रही है। सो बहुत ही ज़्यादा डाइसी है, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। हो सकता है कि कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, हम बैंगलोर से ही अनएक्सपेक्टेड निकले हैं कि क्या होगा कुछ नहीं पता है। सो अब भी देखते हैं क्या होगा। गौरव यहाँ पे सैंपल देके आ गए हैं। सो ये यहाँ सैंपल देके आ गए हैं। भाई मैंने 3-3 बार टेस्ट हो गए हैं मेरे, इनके 3-3 बार टेस्ट हो गए हैं RT-PCR। एक बार लखनपुर बॉर्डर पे हुआ, यहाँ पे उस दिन इन्होंने सैंपल रिजेक्ट करवा दिया, पता नहीं क्यों करा। सैंपल रिजेक्ट हो गया, अभी दोबारा दिया है, तीसरी बार दिया अब। हाँ, टोटल 5 बार हो गए हैं अभी तक। अब जो भी होगा मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे कुछ नहीं पता है। सो थोड़ा मेरा मोरल डाउन हो गया गाइस। RT-PCR की डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम यहाँ पे गाड़ी धुलवाने आए हैं। एक बारी सोनीपत में धुली थी, अब यहाँ पे श्रीनगर में धुल रही है, पावर वॉश हो रही है बिकॉज बहुत ही बुरा हाल हुआ है, इसमें सारा स्लश चिपका हुआ है।
सो गौरव कह रहे हैं कि कार की मूवमेंट के लिए थोड़ा इसको वॉश करवाना ज़रूरी है। नहीं नहीं फेसबुक पे नहीं चढ़ेंगे भैया। सो गाइज अब इतना सारा पूरे दिन में देख लिया, अब घूमते घूमते हम फिर से डल लेक पे आ गए हैं बिकॉज गौरव को शिकारा राइड करनी थी बट मुझे थोड़ा मूड नहीं है शिकारा राइड करने का। सो अभी बस हम यहाँ पे स्ट्रोल ही ले रहे हैं एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं बिफोर वी लीव श्रीनगर। सो होटल में जाके पूरी पैकिंग भी करनी है बिकॉज पूरा खलेरा मचा हुआ है और अभी कार वॉश हुई है तो पूरा कार खाली किया था हमने। हाँ सब चीज़ों को दोबारा से रैप अप करना है विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क अगेन। फाइनली गाइज 200 में हमें शिकारा राइड मिल गई है बट हम ज़्यादा नहीं घूमने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पानी में। सो थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करके देन निकलेंगे। चलो एक एक करना, एक मिनट रिकॉर्ड कर ले। गौरव तो पसर गए। सो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है बिकॉज वो वाले भैया हमें 300 बोल रहे थे, हम 200 बोल रहे थे एंड यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है। फाइनली गौरव ने मुझे शिकारों में बिठाई दिया है और ये तो पूरे लमलेट हो चुके हैं। गाइस बहुत मजा आ रहा है। फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग। सो गाइज यहाँ हो रहे हैं शिकारे के मजे, मैं भी शिकारे के मजे ले रहा हूँ, रति भी शिकारे के मजे ले रही है। रति कैसे लग रहा है शिकारा में बैठ के? नाइस। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है बट शिकारा में बैठ के चलो थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, सही बात है। मैं वाटर शॉट ले रही हूँ और गौरव मुझे बोल रहा है फोन का ध्यान रखो। मैंने कहा ठीक है, नीचे गया तो जल समाधि बन जाएगी और क्यों। तेरा दूसरा फोन का है वो रहा। हाँ ठीक है ठीक है। ये देखो ये तो ऐसे पसरे हुए हैं बिल्कुल। गाइस आनंद लेना, आनंद आनंद लो, मस्ती लो गर्मी में। हाँ गर्मी तो है यार। को देखो जरा क्या मजे आ रहे हैं, धूप सामने मुंह पे पड़ रही है, कुछ कहना चाह रहे हो? गाइस धूप है बट जो ये पानी की निर्मलता है और धूप वो न्यूट्रलाइज हो रही है तो अच्छा लग रहा है काफी, मतलब दो इट इज वेरी हॉट। बता रहे हैं सुबह 5 बजे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट लगता है लेक पे, अर्ली 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तब तक हम उठते भी नहीं है यार। हाँ भाई आजकल तो बहुत आजकल तो हम घोड़े बेच कर सो रहे हैं। The color of the lake is this sky is called it a golden lake. तो इस पे जब धूप की रोशनी पड़ती है तो ये golden हो जाता है।
कश्मीर की जो कि पूरा कश्मीर घुमाती है, हॉप इन हॉप ऑफ बसेस जो होती हैं ये वो है। ऊपर ओपन एयर बस है, डबल डेकर। हमें एक बाबा जी मिले थे, बहुत ही बुढ़े बाबा जी थे, उनसे हमने दो शिकारा की चेन्स ली हैं। इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे कि मैंने उनको 50 रुपये दिए हैं, 20 रुपये का उन्होंने एक शिकारा दिया, बट उन्होंने हमें 10 रुपये वापसी करे हैं। कहते नहीं, अल्लाह देख रहा है, 10 रुपये उन्होंने वापसी किए हैं। बहुत ही बुढ़े बाबा थे, जबकि मैंने उनको मना किया कि बाबा आप रख लो। अदरवाइज यहाँ पे लोग हैं जो कि खर्चा पानी मांग रहे कि हमें चाय पानी दे दो। और बाबा जी इतने वो थे कि उनको हमने उनको बोला कि बाबा जी मास्क उतार के एक फोटो दे दो, तो कहते नहीं मास्क नहीं उतारना। ये जो है इसका हर ट्रिप में किसी ना किसी नाखून पे इसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। पहले लेफ्ट पाँव, कभी राइट पाँव, कभी हाथ, कभी सिर, पता नहीं क्या 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 क्या। देखो क्या कर लिया, यूजलेस। सो गाइस, एक सेकंड, मेरे से हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, आउच, दर्द हो रहा है। दरवाजे से मैं निकली, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टीप है और मैं सीधा स्लिप हुई और यहाँ पे जाके बैठ गई और दरवाजे में मेरा अंगूठा आ गया। इसकी हालत देखो ज़रा, छिल गया पूरा। टेटनस तो नहीं लगवाना पड़ेगा, बट बहुत बुरी हालत हो गई है, खून निकल रहा है इसमें। फिर भाई गाड़ी में लाल बत्ती जल चुकी है और 0 किलोमीटर दिखा रहा है रेंज। गाड़ी को धक्का लगाने की नौबत आ चुकी है। गौरव आप ही लगाना, और उस पर जबरदस्ती एसी भी चलाया हुआ है पेट्रोल पंप जाने से पहले। बिल्कुल 0 किलोमीटर हो, देख रहे हो यहाँ पे 0 किलोमीटर हो चुका है, मतलब कट टू कट चल रही है इस वक्त गाड़ी, कभी भी बंद हो सकती है। रिजर्व लग चुका है कितनी देर पहले, और ये रहा पेट्रोल पंप। आज का दिन ना बड़ा ज्यादा एक्साइटिंग हो गया, मेरे को चोट लग गई है, गाड़ी को धक्का लगाने की नौबत आ गई है। इनका जो RT-PCR था वो क्या था, वो सैंपल रिजेक्ट हो गया है। भाई साहब अब ना वो वाला डायलॉग बिल्कुल बनता है, वो जो जब भी मेट में करीना कपूर बोलती थी ना, बाबा जी आज के दिन में बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, बस अब खत्म कर दो इस दिन को, बोरिंग बोरिंग कर दो जी इस दिन को, और कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। इस सारी वही हाल हो रहा है। गौरव कभी गाड़ी ऐसी गई है? ट्राई नहीं करी क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता, बट फर्स्ट टाइम, वो भी श्रीनगर में, नॉट इन होम टाउन। रिस्क नहीं लेना चाहता कभी, यहाँ पे तो रिस्क ले लिया फुल ऑन। सो गाइस यहाँ पे हमने कपड़े धो धा के, ये इतने सारे कपड़े अभी मुझे प्रेस करने हैं, यहाँ पे ये भी कपड़े हैं प्रेस करने वाले। द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे हम कपड़े धो भी पा रहे हैं, हम अपनी कुकिंग भी कर रहे हैं प्रॉपर, हम दो मील्स हम अपना कुक करके खा रहे हैं, एक मील होता है जो हम बाहर खा रहे हैं, और यहाँ पे हमें प्रेस भी मिल गई है, हम कपड़े प्रेस करके लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्टे है यहाँ पे। और आज हमें पूरा वाइंड अप करना है, कमरे का हाल देखो, इट्स लाइक अ मेस। पूरी की पूरी पैकिंग हमें दोबारा करनी है, बिकॉज आज गाड़ी भी वॉश करवाई है, सो पूरा गाड़ी को अनपैक कर दिया था हमने, अब गाड़ी को दोबारा से रीलोड करना है, वो भी डिफिकल्ट काम है। सो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी इस व्लॉग में अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड आई विल कैच यू इन अ न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय। बाहर कुछ बच्चे हैं, उनकी आवाज आ रही है। हियर वी आर मार्किंग द लास्ट डे इन श्रीनगर, डल लेक नाथू स्वीट से हमने एक पेस्ट्री ली है, वनीला पेस्ट्री, टू सेलिब्रेट आर लास्ट डे इन श्रीनगर। एंड नाउ टुमारो वी आर हेडिंग टू समवेयर, जो कि मैं आपको कल बताती हूँ। व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय। थोड़ा सा डेंजरस भी है, बिकॉज यहाँ पे फॉलिंग रॉक्स के हर जगह साइन दिए हुए हैं और कई जगह रोड ब्लॉकेज भी हो जाता है।